5 लाख रुपए का स्वास्थ्य लाभ देने का भी बीमा भी प्रदान सरकार करने का निर्णय है। ये रूप से गरीबों के साथ साथ एक मध्य वर्ग परिवार के लिए एक क्रांतिकारी कदम कहा जा सकता है। जैसे बीमारियां हैं, किडनी जुड़े हुए, लीवर जुड़े हुए, कैंसर और शायद आपने बजट में एक और चीजें देखी होंगी, ब्रेन हेमरेज, उसको भी इसमें जोड़ेंगे। के घर पे गाड़ियां जाती है, गरीब तो खत्म होता है, बहुत जो कमा है परिवार सड़क है वो भी नहीं, इसलिए ये निर्णय गरीब को जो हम आवास करा रहे हैं उस 50,000 रुपए अधिक और हम लोग जोड़ने का हम निर्णय लिया है। हम जानते हैं इस राज्य में बड़े पैमाने यहाँ पर लोग खाने के साथ साथ ढकने के लिए भी इनके पास हम लोग रुपया में साल 2 बार यहाँ धोती साड़ी और देने का भी निर्णय लिया। प्राथमिकता में है स्वावलंबी है, कैसे पैरों पर खड़ा है, बदहाली से बाहर कैसे निकले, हमारे सोच के केंद्रों में है। अभी तक इस भी हुआ है वो थोड़ा सा कहा जा सकता है लोग से हटकर हुआ। इस राज्य में बेरोजगारी बहुत बढ़ती या तार बढ़ रही पर सवाल भी खड़े हैं, जैसे 4 लाख का विधान 700 का हाई कोर्ट, 16 करोड़ रुपए का सचिव बनाने का प्रस्ताव, मुझे थोड़ा सा पट लगता है, थोड़ा सा इस पिछड़े राज्य मुझे सोचने की गंभीरता है। हमने को जनता के प्रति आभार बनाने का प्रयास किया है। लोग में लोक और तंत्र संवाद मजबूत बढ़े कायम हो ये प्रयास आपने देखा में विधानसभा भी हम लोग ले रहे हैं साथ में बजट के साथ। आज सरकार में बाहर आया हूँ, आज सवाल के सवाल बजट तीसरे
के इस को प्रश्न के उपरांत यहाँ आप सभी के सम्मानित के समक्ष आज इस प्रेस वार्ता में आपका अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट अपनी ओर से आभार करता हूँ। हमारे वित्त जी ने लगभग 35 पन्नों का अभिभाषण पूरे बजट के संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत की। उन्होंने मेरा ये मानना है कि हमारी सरकार ने जो प्रस्तुत की है गरीबों की प्राथमिक सोच को स्पष्ट है, रख दिया है। हमने शासन को झोपड़ियों की दिया है, राज्य में कोई भूख से ना, राज्य में कोई अशिक्षा हो, राज्य इलाज भाव में उसकी हो, हमारे गांव के बकरी ना चराए, स्कूल जाए, के हर वर्ग हर इंसान को रहने के उपलब्ध हो, घर उपलब्ध हो, हर गरीब तन के लिए वस्तु उपलब्ध हो, हमारी सरकार की ये सर्वोच्चताएं। बजट में देखा कि किसी को खुशहाल बनाने के लिए, युवाओं के आरक्षण को देने के लिए में कदम उठाए, इस मायने में क्रांतिकारी है कि इसके गरीब दोनों एक उदय भैया एक साथ मुख्यमंत्री जी सामने सामने थोड़ा गुस्सा हो जाता है। इधर मेल खबर इधर है।